आज ये केस देख लीजिए, 75 साल का एक आदमी आया हुआ है जो तुम्हारा शराब लेता रहता है 40 सालों से। वो अब कंप्लेन कर रहा है कि उसको लो ग्रेड फीवर हो रहा है, एनोरेक्सिया हो रहा है, नौसिया वॉमिटिंग हो रही है 4 महीनों से, साथ ही साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखी हुई है 3 महीने से। प्रोविजनल डायग्नोसिस लिवर सिरोसिस का बनाया गया हुआ है। यूजुअली एक बोतल व्हिस्की पीने से 360 मिलीलीटर, उसमें 360 मिलीलीटर होती है जो कि 180 ग्राम अल्कोहल दे रही होती है। और अगर इसको तुम्हारे पास हर रोज़ पिया गया हुआ है 25 सालों से, तब जाके लिवर सिरोसिस हो जा रहा होता है। पेशेंट तुम्हारा एक बोतल व्हिस्की रोजाना लेता रहता है, मतलब कि 180 ग्राम अल्कोहल लेता रहता है, और 140 साल से चलाता आ रहा है। इसी वजह से हम लोग को सजेस्ट हो रहा है कि लिवर सिरोसिस हो गया हुआ होगा। इस पेशेंट में कोई हेमरेजिक टेंडेंसी की कोई हिस्ट्री नहीं है। एग्जामिनेशन करने पे जॉन्डिस मिल रही है, क्लबिंग मिल रही है, और क्लबिंग मिल रही है राइट हैंड के यहाँ पे, और फ्लैपिंग ट्रेमर्स तुम्हारे दोनों ही हाथों में देखने को मिल रही है। एसाइट्स भी मौजूद है जो सजेस्ट करे कि हेपेटोसेल्युलर फेलियर हो चुकी हुई होगी, लेकिन कोई भी पायोरिटी एनलार्जमेंट नहीं है, बॉडी हेयर डिक्रीज नहीं कर गई है, स्पाइडर नेवाई नहीं है, पामर एरिथ्रेमा नहीं है, डुपोटेंस कॉन्ट्रैक्चर भी नहीं है, गायनेकोमेस्टिया भी नहीं है, या फिर टेस्टिकुलर एट्रोफी भी नहीं है। लीवर तुम्हारी एनलार्ज हो चुकी है 2 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन। पेशेंट में जॉन्डिस है 6 महीनों से। नेल्स तुम्हारी चौकी व्हाइट और ब्रिटल बन चुकी हुई है, जो कि तो जिसका जो सेज करे कि व्हाइट या फिर टेरीज नेल हो चुकी हुई होगी। जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन नहीं हो रखी हुई है। एनीमिया लेकिन मौजूद है। लीवर तुम्हारी एनलार्ज हो चुकी हुई है, लीवर तुम्हारी एनलार्ज है, फर्म है, इरेगुलर है और नॉन टेंडर है, और 2 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन तक एक्सटेंड कर जा रही है। क्लबिंग भी मौजूद है दाहिने हाथ में, जो सजेस्ट कर रही है कि तुम्हारी पल्मोनरी आर्टरी वेना स्टेंट हो गई होगी, एट इज हेपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम हो रही होगी। स्प्लेनोमेगाली पेशेंट में नहीं है, और बाकी सारे फीचर्स ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन भी इस पेशेंट में नहीं मिल रही है। पेशेंट में माइल्ड एस्टेरिसिस हो रही है विद ट्रिवियल लैक ऑफ अवेयरनेस हो रही है, और शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, और एंग्जाइटी भी है, जो सजेस्ट करेगी ग्रेड 1 हेपेटिक एंसेफेलोपैथी होगी भी होगी। डिस्निया ऑन एक्सर्शन है, लेकिन बहुत ही हल्की फुल्की सी है, लेकिन कोई ऑर्थोपनिया, फेटिक या फिर सिंकोप की हिस्ट्री नहीं है। चेस्ट पेन भी नहीं है, हेमोप्टाइसिस भी नहीं है, जो रूल आउट कर रही है कि पोर्टो पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं हो रही होगी। इन्वेस्टिगेशन करने पे हार्ट रेट 84 प्रति मिनट आ रही है, बीपी 132/82 mmHg तक आ रही है, रेगुलर वॉल्यूम की पल्स मिल रही है, रेस्पिरेटरी रेट 22 पर मिनट तक आ रही है, हीमोग्लोबिन 9 ग्राम% तक घट चुकी है, दैट इज एनीमिया हो रही है, TLC काउंट 10,000 है जो कि नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट 2.2 लाख है जो कि नॉर्मल है, एकेंथोसाइटोसिस हम लोग को नहीं मिल रही है। LFT करने पे टोटल बिलिरुबिन 12 mg/dL तक बढ़ चुकी हुई है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ही बढ़ी हुई आ रही है। सेरम प्रोटीन में AG रेशियो आपकी बदल चुकी हुई है, जो सजेस्ट करे कि इम्पेयर हेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होगी, जिसकी वजह से हाइपरएल्बुमिनेमिया होगी भी होगी। AST 500 तक बढ़ी हुई आ रही है, ALT लेकिन 200 आ रही है जो कि नॉर्मल है, तो AST/ALT रेशियो तुम्हारी 2 पार कर रही, जो कि अल्कोहलिक सिरोसिस की एक फीचर होती है। ALP तुम्हारी 225 इंटरनेशनल यूनिट आ रही है जो कि बढ़ी हुई है। PD तुम्हारी 5 सेकंड तक बढ़ी हुई है। हेपेटाइटिस बी और सी के मार्कर्स हम लोग को नहीं मिल रही है। सेरम एल्बुमिन 3 ग्राम/dL तक पे आ चुकी हुई है। AVG करने पे pH तुम्हारी 7.5 आ रही है। PCO2 तुम्हारी 30 तक घट चुकी हुई है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से तुम्हारी रेस्पिरेटरी कॉज का कोई डिसऑर्डर हो लग रहा है, और pH बढ़ने की वजह से रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हम लोग को लग रहा है। बाइकार्बेट इसका 20 तक घटी हुई आ रही है, सिंस बाइकार्बेट तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टैली करने में बाइकार्बेट तुम्हारी 0.4 पर यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड घट चुकी हुई है 24 से। इसी वजह से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगी। ब्लड शुगर 128 mg% है जो कि माइल्डली इंक्रीज लग रही है। सोडियम तुम्हारी 124 mg% तक है जो कि घट चुकी हुई है। पोटेशियम 3 mg/L तक घट चुकी है। मैग्नीशियम फॉस्फेट भी आपकी घट चुकी हुई है। अल्ट्रासाउंड करने पे हेपेटोमेगाली मिल रही है नॉर्मल इको के साथ, और यूनिफॉर्म रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा मिल रही है, साथ ही साथ मल्टीपल रीजनेटिंग नोड्यूल्स मिल रही है 1 से 2 mm साइज की, जो सजेस्ट कर रही है कि माइक्रो नोड्यूलर लैनेक्स सिरोसिस हो रही भी होगी। स्प्लेन की साइज तुम्हारी नॉर्मल है, कोई भी कोलैटरल हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। एसिडिक फ्लूड 150 ml तक जम चुकी हुई है। पोर्टल वेन तुम्हारी विद इन नॉर्मल लिमिट दिख रही है। लीवर बायोप्सी हम लोगों ने नहीं किया हुआ है क्योंकि PT इस पेशेंट का बड़ा हुआ है। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन करने पे AFP सेरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, सेरम फेरिटिन, सेरोप्लाज्मिन अल्फा ट्रिप्सिन ANA और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी सब कुछ विद इन नॉर्मल लिमिट मिल रही है हम लोगों को, ठीक है ना। एसिटिक फ्लूड के एग्जामिनेशन करने पे वो क्लियर फ्लूड मिल रही है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 तक आ रही है। प्रोटीन तुम्हारी 1.5 g/dL आ रही है। TLC 112 per μl आ रही है। SAG तुम्हारी 1.8 g/dL तक बढ़ी हुई आ रही है, नॉर्मली 1.1 होनी चाहिए। DLC करने पे लिम्फोसाइट बढ़ी हुई मिल रही है, लेकिन ग्राम स्टेन तुम्हारी नेगेटिव आ रही है, कल्चर नेगेटिव आ रही है। मैलिग्नेंट सेल भी तुम्हारी एसिटिक फ्लूड में नहीं मिल रही है, जो सजेस्ट कर रही है तुम्हारी
एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से एसाइटिस हो रही होगी, वेरियम स्वेलो फॉर वेरिसेस, तुम्हारी अब वेरियम स्वेलो कराया गया तो उसमें वेरिसेस नहीं मिल रही है, चाइल्ड पक स्कोर कैलकुलेट करने पे ग्रेड वन इंसेफेलोपैथी हो रही है तो दो का स्कोर दे रहे हैं, माइल्ड एसाइट्स की वजह से दो का स्कोर दे रहे हैं, पीटी 5 तक बढ़ने की वजह से दो का स्कोर दे रहे हैं, सीरम एल्ब्यूमिन 3 ग्राम पर डेसीलीटर तक आने की वजह से दो का स्कोर दे रहे हैं, और सीरम बिलिरुबिन 12 तक पहुंच जाने की वजह से 3 का स्कोर दे रहे हैं, तो टोटल स्कोर तुम्हारी 11 आ रही है, तो क्लास सी तुम्हारी चाइल्ड पक स्कोर आ रही है। एविडेंस ऑफ एंड स्टेज ऑफ सीरोसिस हम लोग को मिल रहा है क्रॉनिक जॉन्डिस के फॉर्म में और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के फॉर्म में, बाकी कोई भी फीचर नहीं मिल रही है। कॉम्प्लिकेशन के लिए जब चेक किए तो एसाइट्स मौजूद है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मौजूद है, बाकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं मिल रही है। फीचर्स ऑफ पोर शॉर्ट टर्म प्रोग्नोसिस हम लोग को नहीं मिल रही है, इसी वजह से डायग्नोसिस बनाया गया है कि सीरोटिक चेंजेस हो रही है जो कि पूरे के पूरे लीवर को अफेक्ट कर रही है और हेपेटोसेलुलर डैमेज और इंसफिशियंसी कॉज कर रही है, लेकिन कोई भी और साथ में रीजनरेटिव नोड्यूलर हाइपरप्लेसिया हो रही है मेनली, और ये सब हो रही है मेनली इंक्रीज अल्कोहल एक्सपोजर फॉर 40 ईयर्स की वजह से, दैट इज इस पेशेंट का अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस हो रही है माइक्रो नोड्यूलर वेराइटी की, दैट इज लाइनेक्स सिरोसिस हो रही है। साथ ही साथ फीचर्स मिल रही है हेपेटोसेलुलर फेलियर की, दैट इज क्रॉनिक जॉन्डिस मिल रही है और एसाइट मिल रही है, और फीचर मिल रहे हैं ग्रेड 1 हेपेटिक एंसेफेलोपैथी की, साथ में हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम भी मिल रही है जिसमें क्लबिंग मिल रही है और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मिल रही है। चाइल्ड पक स्कोर तुम्हारी 11 तक आ रही है, दैट इज क्लास सी तुम्हारी चाइल्ड पक स्कोर आ चुकी हुई है, और फीचर्स मिल रहे हैं एंड स्टेज सिरोसिस की, लेकिन कोई भी फीचर नहीं मिल रही है पोर शॉर्ट टर्म प्रोग्नोसिस की, और पेशेंट में तुम्हारी एनीमिया है, हाइपरबिलिरुबिनेमिया है, एएसटी बढ़ी हुई है, पीटी बढ़ी हुई है, एमोनिया बढ़ी हुई है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रही है और मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज भी है, लेकिन नॉर्मल एसिटिक फ्लूइड मिल रही है और एल्ब्यूमिन लेवल घट चुकी हुई है। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है जॉन्डिस के साथ, क्लबिंग के साथ, टेरीज नेल के साथ, फ्लैपिंग ट्रेमर के साथ, एसाइट्स के साथ, एनीमिया के साथ और हेपेटोमेगाली के साथ। केएफटी तुम्हारा सही सलामत है, लेकिन और पेशेंट में कोई भी एविडेंस नहीं मिल रहा पोर्टल हाइपरटेंशन की, लेकिन पेशेंट में हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो रखी हुई है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ग्रेड 1 हो रखी हुई है। पेशेंट का वजन है 56 किलो, इसी वजह से पेशेंट को हम लोग 60 ग्राम प्रोटीन और 3000 किलो कैलोरी एनर्जी पर रोजाना लेने को कहे, स्पेशली ब्रांच चेन अमीनो एसिड रिच डाइट के फॉर्म में, और ब्रांच चेन अमीनो एसिड हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि हेपेटिक एंसेफेलोपैथी और न बढ़ सके, साथ में मल्टी विटामिन सप्लीमेंटेशन रोजाना हम लोग इस पेशेंट को दे रहे हैं, और इस पेशेंट को अगले 6 महीने के लिए अल्कोहल को अवॉइड करके रखना है। लैक्टुलोज का सिरप 30 मिलीलीटर दिन में 3 दफा दे रहे हैं इस पेशेंट को हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के लिए, और स्पाइरोनोलैक्टोन दे रहे 25 मिलीग्राम दिन में 4 दफा एसाइड्स को ठीक करने के लिए, 800 डीऑक्सीकोलिक एसिड के टैबलेट हम लोग दे रहे हैं इस पेशेंट को टोटल बिलिरुबिन को घटाने के लिए, और पेशेंट एम्बुलेटरी है इसीलिए उस पेशेंट को 2 हफ्ते के बाद फॉलोअप करने को कहे, लेकिन तब तक के लिए इस पेशेंट को विटामिन के लेते रहने उसके पीटी लेवल को करेक्ट कर पाने के लिए। फिर से देख लीजिए इस केस को, 75 साल का एक आदमी आया जिसने शराब पीता रहा है 40 सालों से, अब वो कंप्लेन कर रहा है कि उसको लो ग्रेड फीवर हो रही है, एनोरेक्सिया हो रही है, नौसे हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है पिछले 4 महीनों से, साथ ही साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रखी है 3 महीनों से, प्रोविजनल डायग्नोसिस लिवर सिरोसिस की बनाई की हुई है। ये पेशेंट यूजुअली 1 बोतल विस्की लेने से तुम्हारा 180 ग्राम अल्कोहल लेना हो जा रहा होता है, अगर वो रोजाना तुम लेते रहते हो 25 सालों से तो जाके लीवर सिरोसिस हो जाती है। इस पेशेंट ने 1 बोतल विस्की रोजाना पीता, मतलब 180 ग्राम अल्कोहल रोजाना पीता रहा है 40 सालों से, इसीलिए सजेस्ट कर रहा है कि इस पेशेंट को लीवर सिरोसिस हो रही होगी, लेकिन इस पेशेंट में कोई भी हेमरेजिक टेंडेंसी नहीं मिल रही, एग्जामिनेशन करने पर जॉन्डिस मौजूद है, क्लबिंग मौजूद है, राइट हैंड में फ्लैपिंग ट्रेमर दोनों ही हाथों में मिल रहे हैं, एसाइड्स में मौजूद है जो सजेस्ट करें हेपेटोसेलुलर फेलियर हो रही होगी, लेकिन कोई पैरोटिड एनलार्जमेंट नहीं है, बॉडी हेयर डिक्रीज नहीं कर गई है, स्पाइडर नेवाई नहीं है, पामर एरिथ्रेमा नहीं है, ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर भी नहीं है, गायनेकोमास्टिया भी नहीं है, टेस्टिकुलर एट्रोफी भी नहीं है, लीवर तुम्हारी 2 सेंटीमीटर एनलार्ज हो चुकी है राइट कोस्टल मार्जिन के नीचे तक, पेशेंट में जॉन्डिस है तुम्हारी 6 महीनों से, नेल्स तुम्हारी चौकी व्हाइट और ब्रिटल बन चुकी है जो सजेस्ट करे कि व्हाइट टेरीज नेल बन चुकी होगी, जनरलाइज हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन नहीं मिल रही, एनीमिया नहीं मिल रही है लेकिन एनीमिया मौजूद है, लीवर तुम्हारा इनलार्ज हो चुका है, इनलार्ज है, फर्म है, इरेगुलर है और नॉन टेंडर है, और 2 सेंटीमीटर बिलो द कोस्टल मार्जिन तक एक्सटेंड कर रही है, क्लबिंग तुम्हारी मौजूद है दाहिने हाथ में जो सजेस्ट करे पल्मोनरी आर्टरी वेना शंटिंग होगी होगी, मतलब कि हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम हो रही होगी, स्प्लेनोमेगाली इस पेशेंट में नहीं है, बाकी सारे फीचर्स सजेस्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन भी नहीं है, पेशेंट में माइल्ड एस्ट्रेसिस हो रही है, विद ट्रिवियल लैक ऑफ अवेयरनेस हो रही है और शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, और साथ में एंग्जाइटी भी हो रही है जो सजेस्ट करे ग्रेड 1 हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो गई भी होगी, डिस्पनिया ऑन एग्जर्शन हल्की फुल्की सी है लेकिन कोई ऑर्थोपनिया फेटिग या सिंकोप नहीं है, चेस्ट पेन नहीं है और हेमोप्टाइसिस भी नहीं है जो तुम्हारे पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन को रूल आउट कर चुकी हुई है, इन्वेस्टिगेशन करने पे हार्ट रेट तुम्हारी 84 प्रति मिनट आ रही है, बीपी 132/82 mmHg तक आ रही है, रेगुलर वॉल्यूम कोई पल्स मिल रही है, रेस्पिरेटरी रेट तुम्हारी 22 पर मिनट तक आ रही है, हीमोग्लोबिन 9 ग्राम परसेंट तक कर चुकी हुई है जबकि एनीमिया सजेस्ट कर रही है, TLC 10,000 तक आ रही है जो कि नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट तुम्हारी 2.2 लाख तक आ रही है जो कि नॉर्मल है, एकेंथोसाइटोसिस नहीं हो रखी हुई है, LFT करने पे टोटल बिलिरुबिन 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ चुकी हुई है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों ही बढ़ी हुई मिल रही है,
सीरम प्रोटीन एजी रेशियो तुम्हारी रिवर्स हो चुकी हुई है, जो सजेस्ट करेगी इंपेयर हेपेटिक प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से हाइपर एल्बुमिनेमिया हो गई भी होगी। एएसटी तुम्हारी 500 तक बढ़ चुकी हुई है, एएलटी तुम्हारी 200 पे है, जो इट नॉर्मल है। तो एएसटी बाय एएलटी रेशियो तुम्हारी 2 पार कर रही है, जो सजेस्ट करेगी कि अल्कोहलिक सिरोसिस हो रही होगी। एएलपी तुम्हारी 225 तक आ रही है, दैट इज बढ़ी हुई है। पीटी तुम्हारी 5 सेकंड तक बढ़ी हुई है। हेपेटाइटिस बी और सी के मार्कर्स नहीं मिल रहे हैं। सीरम एल्बुमिन 3 ग्राम पर लीटर तक आ रही है। एवीजी करने पे पीएच तुम्हारी 7.5 तक बढ़ी हुई आ रही है। पीसीओ2 तुम्हारी 30 तक घटी हुई आ रही है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से रेस्पिरेटरी कॉज हो रही होगी, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रही होगी। और बाइकार्बोनेट लेवल तुम्हें 20 तक घटी हुई है, तो तुम्हारी 0.4 पर यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड घटने के हिसाब से तुम्हारी बाइकार्बोनेट का लेवल आ रहा है, जो कि सजेस्ट करे कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रही होगी। रैंडम ब्लड शुगर 128 मिलीग्राम परसेंट तक बढ़ी हुई आ रही है। सोडियम 124 मिलीग्राम परसेंट तक घटी हुई आ रही है। पोटेशियम 3 मिलीक्विवेलेंट तक घट चुकी हुई है। मैग्नीशियम और फॉस्फेट भी इस पेशेंट में घट चुकी हुई है। अल्ट्रासाउंड करने पर हेपेटोमेगाली मिल रही है नॉर्मल इको के साथ, और यूनिफॉर्म रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा भी मिल रही है। साथ में मल्टीपल रीजनेटिंग नोड्यूल्स मिल रही है 1-2 मिलीमीटर साइज की, जो सजेस्ट करे कि माइक्रो नोड्यूलर लाइनिक सिरोसिस हो चुकी होगी। स्प्लेनिक साइज तुम्हारी नॉर्मल है, लेकिन कोई कोलेट्रल हम लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे। एसाइड्स तुम्हारी 150 मिलीलीटर फ्लूइड इकट्ठी हो चुकी है। पोर्टल वेन तुम्हारी नॉर्मल लिमिट में है। लीवर बाप सब लोगों ने नहीं किया हुआ है, क्योंकि प्रथम बिन टाइम तुम्हारा बढ़ा हुआ रहा है। बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन जैसे कि एएफपी, सीरम ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, सीरम फेरिटिन, सेरुलोप्लाज्मिन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, एएनए और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी सब कुछ नॉर्मल लिमिट के अंदर आ रही है। एसिडिक फ्लूड की एग्जामिनेशन करने पे एक क्लियर फ्लूड मिल रही है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.008 तक आ रही है। प्रोटीन 1.5 ग्राम पर डेसीलीटर तक आ रही है। टीएलसी 112 पर माइक्रोलीटर तक आ रही है। इस एजी वैल्यू तुम्हारी 1.8 ग्राम पर डेसीलीटर तक बढ़ चुकी हुई है। डीएलसी करने पर लिम्फोसाइट तुम्हें बढ़ी हुई आ रही है। एसिडिक फ्लूड में ग्राम स्टेन नेगेटिव है, कल्चर नेगेटिव है, मैलिग्नेंसी भी एबसेंट है एसिडिक फ्लूड में, जो सजेस्ट कर रही है तुम्हारी एल्ब्यूमिन की कमी की वजह से हो रही होगी। बीडियम सेलो करा है वेरिसिस के लिए, तो एबसेंट तो नेगेटिव आ रही है। चाइल्ड पॉक्स स्कोर इस पेशेंट का तुम्हारी कैलकुलेट करें तो ग्रेड 1 इंसेफेलोपैथी की वजह से 2 का स्कोर दे रहे हैं। माइल्ड एसाइड्स के लिए 2 का स्कोर दे रहे हैं। प्रीटी तुम्हारी 5 तक बढ़ी हुई आने के लिए 2 का स्कोर दे रहे हैं। सीरम एल्बुमिन 3 ग्राम पर डेसीलीटर तक आने की वजह से 2 का स्कोर दे रहे हैं। सीरम बिलिरुबिन 12 तक बढ़ जाने की वजह से 3 का स्कोर दे रहे हैं। तो टोटल स्कोर 11 बन रहे, जो कि क्लास सी चाइल्ड पॉक्स स्कोर इंडिकेट कर रही है। जो एविडेंस ऑफ एंड स्टेज ऑफ सिरोसिस मिल रही है क्रॉनिक जॉन्डिस के फॉर्म में और एसाइड्स के फॉर्म में, लेकिन हेपेटिक एंसेफेलोपैथी भी हो रही है। बाकी कोई भी फीचर नहीं मिल रही है। कॉम्प्लिकेशन में एसाइड्स मिल रहे हैं, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मिल रही है, बाकी कोई भी फीचर्स नहीं मिल रही है। और फीचर ऑफ पोर शॉर्ट टर्म प्रोग्नोसिस हम लोग को नहीं मिल रही है। तो डायग्नोसिस हम लोग बना रहे हैं कि सिरोटिक चेंजेस हो रही होगी, जो कि पूरे के पूरे लीवर को अफेक्ट कर रही है और हेपेटोसेलुलर डैमेज कॉज कर रही है और सब कॉज कर रही है इनसफिशियंसी और डिजनेटिव नोड्यूलर हाइपरप्लेसिया, जो मेनली तुम्हारी इंक्रीज अल्कोहल एक्सपोजर फॉर 40 ईयर्स की वजह से हो रही होगी। डेट इज इस पेशेंट का अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस हो रही है माइक्रो नोड्यूलर टाइप की। डेट इज इस पेशेंट को लैनिक सिरोसिस हो रही होगी। और साथ में इसको पेशेंट में मिल रहे फीचर्स ऑफ हेपेटोसेलुलर फेलियर, डेट इज क्रॉनिक जॉन्डिस एंड एसाइड्स, और फीचर्स ऑफ ग्रेड 1 हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मिल रही है, और हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम मिल रही है एज क्लबिंग एंड क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। पेशेंट की चाइल्ड पॉक स्कोर तुम्हारी 11 तक आ रही है, जैसे क्लास सी चाइल्ड पॉक स्कोर आ चुकी हुई है। और फीचर्स मिल रही है एंड स्टेज सिरोसिस की, लेकिन कोई फीचर्स नहीं मिल रही है पोर शॉर्ट टर्म प्रोग्नोसिस की। पेशेंट में एनीमिया हो रखी है, बिलिरुबिन बढ़ी हुई है, एएसटी बढ़ी हुई है, पीटी बढ़ी हुई है, सीरम एमोनिया बढ़ी हुई है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो रही है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज मिल रही है, नॉर्मल एसिडिक फ्लूइड है, और एल्ब्यूमिन लेवल तुम्हारी घटी हुई आ रही है। पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है जॉन्डिस के साथ, क्लबिंग के साथ, टेडीज नील के साथ, फ्लैपिंग ट्रेमर के साथ, एसाइड्स के साथ, एनीमिया के साथ, और हेपेटोस्प्लेनोमेगाली के साथ। किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल लिमिट में आ रही है और कोई एविडेंस नहीं मिल रही है पोर्टल हाइपरटेंशन की, लेकिन हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम मौजूद है और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी ग्रेड 1 की हो रखी हुई है। पेशेंट का वजन है तुम्हारे 56 किलो, इसी वजह से पेशेंट को हम लोगों ने 60 ग्राम प्रोटीन रोजाना लेने को कहा है और 3000 किलो कैलोरी एनर्जी रोजाना लेने को कहा है। स्पेशली ब्रांच चेन अमीनो एसिड इस पेशेंट को लेते रहना है, ताकि हम लोग हेपेटिक एंसेफेलोपैथी से इस पेशेंट को बचा के रख सके। साथ ही साथ इस पेशेंट को मल्टी विटामिन सप्लीमेंट रोजाना लेते रहनी है, लेकिन इस पेशेंट को अगले 6 महीने के लिए अल्कोहल को अवॉइड करनी है। लैक्टुलोज सिरप इस पेशेंट को लेने हैं 30 मिलीलीटर दिन में 3 बार हेपेटिक एंसेफेलोपैथी को ठीक करने के लिए, और स्पाइरोनोलैक्टोन लेने हैं इस पेशेंट को 25 मिलीग्राम दिन में 4 दफा एसाइड्स को ठीक करने के लिए। 800 डिऑक्सीकोलिक एसिड टैबलेट इस पेशेंट को दिया जा रहा है रोजाना 1 गोली टोटल बिलिरुबिन को घटाने के लिए। और पेशेंट एम्बुलेटरी है, इसी वजह से उसको हम लोगों ने अस्पताल में न रख के घर पर भेज दिया हुआ है, लेकिन 2 हफ्ते बाद इसको फॉलोअप करना है और तब तक इसके लीवर वापसी कर पाने के लिए पीटी को तस्दीक करना जरूरी है, जिसके वजह से इस पेशेंट को रोजाना विटामिन के की एक टैबलेट दी जा रही है इसके पीटी को ठीक करने के लिए, लीवर वापसी कर पाने के लिए। ये था आज का हमारा केस। थैंक यू।